नमः शिवाय। अधिक ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि सुबह 7:30 बजे तक लगी रहेगी। तत्पश्चात चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में 7:00 बजे तक चलते रहेंगे। तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। कृतिका नक्षत्र के नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्मे जातक सुंदर, तेजस्वी, प्रसिद्धि पाने वाले, विद्वान, उच्च अधिकारी और विद्या के धनी होते हैं। यह उदार हृदय वाले, सामाजिक क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले, अतिथि सत्कार में कुशल और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ऐसे जातक रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रहने वाले, शेयर व सट्टेबाजी में रुचि रखने वाले, कला एवं विज्ञान के कार्य व्यवसायों से संबंध रखने वाले होते हैं। इनको कला, अभिनय और राजनीति के क्षेत्र में भी प्रगति करते देखा गया है। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल, शुक्र और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज दिन भर वृष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। अब सूर्य चंद्र की युति आज से कायम हो चुकी है, अर्थात अमावस्या का असर प्रारंभ हो चुका है, जिसका प्रत्येक जातकों पर 2.5 दिनों तक प्रभाव पड़ता रहेगा। मेष राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और कार्य क्षमता बढ़ी रहेगी। सूर्य चंद्र की युति से वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी और धन लाभ प्रचुर मात्रा में संभावित है। नई कार्य योजनाओं के लिए आपका उत्साह और आत्मविश्वास बना रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बाधित हो सकती है और एक ही काम के प्रति बार बार प्रयास करना पड़ सकता है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता के साथ वैचारिक मतभेद भी संभावित है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी और शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे। वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में रुकावट की संभावना बनती है, मगर अत्यधिक क्रियाशीलता और रचनात्मक प्रवृत्ति के साथ भ्रम की संभावना भी बनती है। आपके इच्छानुसार कार्य योजनाओं के संपन्न होने में थोड़ा समय लग सकता है, मगर आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में विलम्ब की संभावना बनती है, मगर साझेदारी के कामों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। मिथुन राशि के जातकों के निजी व संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। नए प्रस्तावों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और कोमल भावनाएं विकसित होंगी। वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी सावधानी बनाए रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र से बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्य योजनाओं के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और यथासंभव आप उन्हें लागू भी कर सकते हैं। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आर्थिक निवेश संभव है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है। हालांकि बुजुर्गों का सहयोग और अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य चंद्र का वृष राशि में रहना कार्य क्षेत्र में सहयोग जारी रखेगा और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। सरकारी कामों में भी सहयोग मिलेगा और प्रभाव में वृद्धि होगी। नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। राहु, शुक्र और केतु मंगल की युति से काम के पहल करने की प्रवृत्ति में कमी आएगी। कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मदद मिलेगी और भाग्यवश काम अच्छे होंगे। निजी संबंधों में निकटता आएगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक रहेगा।
साझेदारी के काम लाभदायक सिद्ध होंगे, नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। तुला राशि वाले जातकों के दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विकास होगा और नई कार्य योजनाएं सफल होंगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन कार्य क्षेत्र के उत्थान और संबंधित मामलों में आ रही रुकावटों को खत्म करने का संकेत देता है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी अभी भी रखनी चाहिए। विद्यार्थियों के प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। नई कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और लाभदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी, मगर काम करने में असंतुष्टि महसूस होगी। वैवाहिक मामलों के लिए शाम का समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। अध्ययन अध्यापन में निरंतर अभ्यास जारी रखें और मन में नकारात्मक विचारों को ना लाएं। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ की यात्राएं और विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है। हालांकि आपके प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मगर वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से बचना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा की युति छठवें भाव में नकारात्मक विचारों को जन्म देगी। परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बिठाकर आज के दिन चलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें। मकर राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुटुंबियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है। हालांकि आपकी राशि पर मंगल का होना प्रभावशाली बनाता है और नेतृत्व करने की क्षमता देता है, मगर बुध का छठवें घर में जाना और शुक्र का राहु से युति उत्साह और कार्य ऊर्जा में कमी के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में गड़बड़ी या भ्रम की स्थिति का संकेत देता है। सावधानी अपेक्षित है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और काम काज सुचारू ढंग से पूरे होंगे और नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और आवश्यक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में चल रही जिम्मेदारी का निर्वहन होता रहेगा, मगर मानसिक असंतुष्टि हावी रहेगी। हालांकि नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा। धन संबंधी मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। समयानुसार लाभदायक प्रस्ताव आते रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बढ़ी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। बुध और शुक्र का राशि परिवर्तन, बौद्धिक क्षमता, सक्रियता, निजी संपत्ति में वृद्धि, रुकते हुए कामों और धन संबंधी मामलों में उपलब्धि का संकेत देता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अभ्यास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।